तो गाइस फाइनली हो गई है आपकी होंडा शाइन कंप्लीट और अब आई है आपकी होंडा सीबी शाइन में एक्चुअल में शाइन। तो मेरे सामने खड़ी है होंडा सीबी शाइन। वैसे जो उसकी हालत थी वो काफी ज्यादा खस्ता थी। जो पार्ट्स है उनको किया गया रैपिंग जो कि ब्लैक कलर में लिया, ऐसा लग रहा है जिसे पेंट करा रखा है रैपिंग। तो ये देखो गाइस ये वाला पार्ट भी आप देख सकते हो, ब्रांड न्यू हो गया। पहले कैसा था, एडजस्टेबल वाले क्लच एंड लीवर। ये है आपका वाइजर गाइस, टायर हगर, टेल टैडी भी लगा रहे हैं जो कि एमजी की। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूं होस्ट आपका दोस्त लेओ, आपके लिए एक और टॉपिक, एक और नया वीडियो एंड नाउ वाचिंग योर माय YouTube चैनल। तो फाइनली गाइस मैं आया हूं आपके लिए होंडा सीबी शाइन पर मॉडिफिकेशन की वीडियो। और काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया सीबी शाइन पर वीडियो बनाओ, तो फाइनली मैं ले आया हूं। इसमें काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, लाइक इसमें टेल टैडी, टायर हगर यानी कि इसका जो मडगार्ड आता है ना उसको काट कर इसमें लगाइए टेल टैडी। लेकिन काटने के बाद पता नहीं चलेगा किसी कटिंग की भी गई या फिर नहीं गई। ये रहेगा इसका पार्ट वन। कुछ टाइम बाद मैं आपके लिए इसका एक पार्ट और लेकर आऊँगा जिसमें उससे भी अलग मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसमें एडजस्टेबल वाले क्लच एंड लीवर, इसके अलावा वाइजर और फुल बॉडी को किया है रैपिंग जो कि ब्लैक कलर में है। पेंट से अच्छा आप रैपिंग करा सकते हो क्योंकि सस्ता भी पड़ता है, प्लस आपका जो है फ्यूचर में मन करता था आप उसको हटा कर अपनी ओरिजिनल बाइक को कर सकते हो दोबारा से गाइज। तो ये अब चॉइस होता है, कुछ लोगों को पेंट पसंद है, कुछ लोगों को रैपिंग। तो ये दोनों चीज़ें आप करवा सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कंडीशन थी ज़्यादा खराब इसकी, 2017 का था मॉडल, फिर भी इसको कर दिया मॉडिफाइड जो कि देखने में काफ़ी अच्छा और न्यू लग रहा है। ग्राफिक जो लगाया है इसमें यानी कि स्टिकरिंग का जो वर्क किया है वो किया है BS6 वाले मॉडल पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब भी करता हूं क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आपके पास होंडा SP125 है तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, सो चेकआउट कर लेना। तो आज के सिनेरियो में आपको दिखाने वाला हूं, आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है होंडा सीबी शाइन 125 और इसमें करने वाले मॉडिफिकेशन। वैसे जो उसकी हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता थी क्योंकि ये 2017 का मॉडल, और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि भैया शाइन पर वीडियो बनाओ। तो फाइनली मैं ले आऊँ आपके लिए, इसमें कोई ज़्यादा मतलब नॉर्मल सा काम है बट काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरह की वीडियो आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगी। जो फर्स्ट ऑफ काम किया गया वो किया गया इसके जिसके बॉडीज के जो पार्ट्स है उनको किया गया रैपिंग जो कि ब्लैक कलर में लिया गया। और टैंक आप देख सकते हो, टैंक को कंप्लीट होने के बाद ऐसा लगेगा नहीं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पेंट करा रखा है, रैपिंग नहीं लग रही, पेंट लग रहा है। इसके भी बाकी के पार्ट्स भी एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, इसके साइड पैनियर्स है जो कि कुछ इस तरीके से इस पर रैपिंग कर दी गई है, और रैपिंग जो है ये फुल्ली वाटरप्रूफ होती है। आप किसी और कलर की भी करा सकते हो, डिपेंड योर चॉइस कि आपका कौन से कलर का बाइक है। तो ये भी वाला, आप ये वाला पार्ट भी आप देख सकते हो जो कि कुछ इस जगह पे लगता है, तो इसको भी कर दिया नहीं। तो ये देख सकते हो आप। सो गाइस ये भी आप देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गया। थोड़ा सा लेट में आया था वरना मैं इसकी कंडीशन दिखाता आपको कि पहले कैसा था। बाकी ऑल ओवर बाइक की कंडीशन आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये सेम टू सेम वर्क आप अपनी होंडा SP125 में भी कर सकते हो। बाकी उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना भी चुका हूँ गाइस। यहाँ पर आप तो मेटल में प्लस यहाँ पर रबड़ की आपको मिल जाते हैं हैंड ग्रिप जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और इसमें लगे हुए डायमंड जो कि ओरिजिनल नहीं है। और ये हैं गाइस आपके एडजस्टर वाले क्लच एंड लीवर जो कि आप देख सकते हो, इसको आप स्विच करके एडजस्ट कर सकते हो। ये भी बिग साइज में थोड़ा सा छोटा शॉर्ट साइड करेंगे क्योंकि ये इसके हैंड ग्रिप से थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। लेवल पे छोटे साइज के भी इसमें आते हैं, कलर बहुत सारे आते हैं, डिपेंड योर चॉइस किस कलर का आप पसंद करो। उसमें गोल्डन मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, रेड आपके सामने ही है, और ब्लैक भी आता है। अगली है गाइज, ये है आपका वाइजर और जो कि आपके फ्रंट वाले पार्ट्स पर लगेगा हेडलाइट के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके ऊपर भी हो सका तो कोई रैपिंग वगैरह करके इसको करेंगे, नहीं फिर नॉर्मल भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है गाइस टायर हगर जिसमें आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और ये बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। ये आप देख सकते हो प्रॉपर इसमें रॉड है जो कि कुछ इस तरीके से लग जाएगा, जिससे बेसिकली क्या रहेगा कि जैसे काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता बता दूँ, इस जगह पर काफ़ी मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो उसी प्रोटेक्शन के लिए आप इस तरीके का टायर हगर लगा सकते हो जिससे मिट्टी वगैरह यहीं होल्ड हो जाती है, प्लस आपकी बाइक का लुक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक हो जाता है। इन्हें तो पीछे की अगर कोई गाड़ी आ रही होती है ना आपके, इस पर जब लाइट पड़ती है तो हल्का सा रिफ्लेक्ट पड़ता है, जिससे आपकी बाइक की विजिबिलिटी बन जाती है कि आगे कोई आपके गाड़ी चल रही है। सो गाइस टेल टैडी भी लगा रहे हैं जो कि एमजी की है, और ये आई थिंक कैसे लगे, ऐसे लगेगी क्या ये, कुछ इस तरीके से लग जाएगी। और इस पर आपके इंडिकेटर वगैरह होल्ड हो जाएंगे, नंबर प्लेट आ जाएगी। जो इंडिकेटर लगाने वाले हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस ये है LED इंडिकेटर, ये लगाएंगे बैक साइड में, और आगे की साइड में लग चुके हैं। आगे का फ्रंट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी मडगार्ड को भी कर दिया है रैपिंग जो कि ब्लैक कलर में लिया गया। आप चाहो तो ट्रांसपेरेंट भी लैमिनेशन करा सकते हो गाइज। इसके अलावा कुछ और भी अगर नया होगा तो आपको दिखा दूंगा, पहले कर लेता हूँ कंप्लीट और आपको दिखाता हूँ फिर फाइनल पे के फाइनल पे क्या क्या एक्सेसरीज में लगी और कैसा लुक आता है लगने के बाद। I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate.
take this. I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take I got no love. तो गाइज फाइनली हो गई है आपकी होंडा शाइन कंप्लीट और अब आई है आपकी होंडा सेवी शाइन में एक्चुअल में शाइन। ये देखो गाइज अगर फ्रंट से मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। कंडीशन इसकी शुरू में मैं दिखा नहीं पाया, जितना भी मैंने आपको कोशिश करी दिखाने की तो उतना मैंने दिखाया, बल्कि इसका जो कंडीशन थी ना बहुत ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि इस पर रैपिंग करने का मकसद था कि इसके अंदर का पेंट वगैरह पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। बाकी या तो आप पेंट करवाते या फिर आप कराते रैपिंग, पेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है तो आप उस ऑप्शन में रैपिंग करा सकते हो। ये बहुत अच्छी लग रही है और मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पर रैपिंग करी है या फिर पेंट किया गया। ये देख सकते हो उसके ऊपर से यहाँ पर कर दिए ग्राफिक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्लस वाटरप्रूफ और ओरिजिनल ग्राफिक है ये, जिसमें जो है टैंक लिया गया है इस साइड से आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर भी छोटा सा एक ग्राफिक लगा रखा है और अगर फ्रंट पर आप आओगे तो फ्रंट पर आपको यहाँ पर ग्राफिक देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और गाइस इस तरीके से लुक आ रहा है आपका फ्रंट का ग्राफिक का, ये देख सकते हो आप। और ये तभी अच्छे लगेंगे ग्राफिक जब आप इसको पूरी तरीके से या तो साफ हो कंडीशन तब आप ग्राफिक लगाओ, खाली ग्राफिक लगाने हैं तो नहीं, तो फिर आप इसको पूरा ब्लैक कर लो या पेंट करवा लो तभी ग्राफिक अच्छे लगेंगे। क्योंकि लुक जो आ रहा है ना कंट्रास्ट तब आ रहा है जब ये प्रॉपर तरीके से ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्लैक कलर हो गया आपका और यहाँ पर आपके उसी से मिलते हुए ग्राफिक हो गए। तो देखो ये ग्राफिक यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी लिया गया है, ये देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ भी आप देख सकते हो गाइस। सो गाइस ग्राफिक के अलावा यहाँ पर जो ब्लैक कलर की रैपिंग हुई मडगार्ड पे भी की गई जो कि बिल्कुल आपको ब्रांड न्यू लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो बाइक है ये 2017 का मॉडल है और काफ़ी लोगों की डिमांड आती थी कि भैया होंडा सेवी शाइन पर वीडियो बनाओ, तो आपके लिए वीडियो आ गई। ये पार्ट वन है, पार्ट टू में और भी इससे कुछ नया करा जाएगा इसी बाइक में, तो वो भी उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी होंडा जो आपकी जो SP125 आती है उसकी वीडियो भी आपको काफ़ी मेरे चैनल मिल जाएगी, इसमें फुल बॉडी क्रैश गार्ड वगैरह लगा रखा है, मतलब वो फुल लोड है, उसको देख लोगे ना तो वो सेम काम आप किसी भी करा सकते हो। और इस पर जो कर रखा है वो सेम काम आप अपनी राइडर पर भी करा सकते हो। मैं चीज़ दिखाता हूँ पीछे से। सो गाइस ये देखो ये जो पार्ट है ना यहाँ से कटिंग किया गया, ये आपको कटिंग वाला दिख रहा होगा ठीक है, और अभी इसको अधूरा इसलिए छोड़ दिया, इसकी फिनिशिंग इसलिए नहीं करी है प्रॉपर क्योंकि इसका एक पार्ट अभी और आना है और रात भी काफ़ी हो चुकी है। तो ये सेम काम आप अपनी राइडर पर भी करा सकते हो और कुछ इस तरीके का लुक आएगा। ये देखो ये जो पार्ट है ये टेल डैडी होती है और टेल डैडी कम से कम 50 तरीके की आती है। ये नॉर्मल सी है और काफ़ी अच्छी है लेकिन हैवी है, इसमें फोल्डिंग वाली भी आती है, एडजस्टेबल वाली आती है, लॉन्ग कर लो शॉर्ट कर लो, बट ये काफ़ी सिंपल है क्योंकि बाइक आपको पता है सिंपल, तो उसी हिसाब से सिंपल कॉन्सेप्ट लिया गया है। और यहाँ पर लगाया गया इंडिकेटर जिसको आप ऐसे भी कर दोगे ना ये फ्लेक्सिबल है, ये टूटेंगे नहीं। एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ मैं, देखो गाइस क्योंकि इसमें 1000 सिस्टम भी डला है और पैटर्न को चेंज करने के लिए इस स्विच को आपको बस ऑन ऑफ करना है और इसके पैटर्न चेंज, तो ये देख सकते हो। और ये LED इंडिकेटर है, मतलब एक होता है कि आप इंडिकेटर के अंदर बल्ब चेंज करा लो, एक होता है पूरा इंडिकेटर चेंज करा लो, और वो सख्त से इंडिकेटर आते हैं ओरिजिनल, वो टूट जाते हैं। KTM फ्लैश है और इसको आप चाहो तो KTM भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि KTM स्टाइल ही है और वैसे यूनिवर्सल है, किसी बाइक में लगा सकते हो। फोकस ब्राइटनेस आप देख सकते हो। और वहीं नीचे अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो लगाया गया टायर अगर जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, इसमें रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं जो कि बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। ये देखो रिफ्लेक्टर का मतलब कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, देखो ये देख सकते हो, पीछे से लाइट पड़ेगी ना, ये अपने फ्लैश ऑन कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से, जब पीछे से बाइक आएगी तो कुछ इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करता है गाइस। तो ये रिफ्लेक्टर्स के साथ आपको मिल जाता है टायर हगर, टायर हगर की बहुत सारी वैरायटी है, ये एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और पीछे से लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। सो गाइस यहाँ पर टैंक पैड इंस्टॉल किया गया है जो कि कार्बन फिनिश के साथ है जो कि बहुत डिसेंट लुक दे रहा है, ये देख सकते हो गाइस। और अब बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है भाई, छोटे मोटे काम अभी रहते हैं, जिस तरीके से आप अगली वीडियो में आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पर डबल वाला मीटर देखने को मिल जाएगा, मीटर कंसोल या डिजिटल वाला लगाएंगे, हैंडल भी हो सका इसका चेंज किया जाएगा। बट अब बात करते हैं जो उसमें आज कर रखा है, देखो इंडिकेटर जो मैंने आपको दिखाए थे सेम इधर भी है, इसका फोकस और ब्राइटनेस आप देख सकते हो दूर से भी कुछ इस तरीके से आ रही है ठीक है। तो ये तो होगी बात, इसके बाद हैं वाइजर पे, देखो ये वाइजर लगाया गया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ यहाँ पर लगाया गया जो कि प्रॉपर तरीके से मैच किया गया, ऐसा लगेगा नहीं ये किसी और बाइक का है।
और बिल्कुल मैच करता हुआ ये सेम आपका इस पर लग गया है। ये देखो इसको लगाने के लिए एक यहाँ पर ये चार पेज लगे और अब ये प्रॉपर तरीके से हो गया होल्ड। हैंड ग्रिप और मैंने आपको एडजस्टेबल कलर्स दिखाया था शुरू में, वो थे रेड कलर के, लेकिन रेड कलर का इतना अच्छा नहीं लग रहा था, हमें कुछ उसको डिसेंट सी लुक देनी थी, तो डिसेंट सी लुक देने के लिए यहाँ पर हैंड ग्रिप लगाई है। और ये नॉर्मल हैंड ग्रिप नहीं है, बहुत ही हैवी क्वालिटी की है, प्लस इसमें मेटल के बार एंड्स है जो कि कुछ आपको जो है इस तरीके देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हो आप। और ये भी यूनिवर्सल है, किसी बाइक में लगा सकते हो। और इस साइड मैंने आपको दिखाया है, सेम आप इस तरफ से भी देख सकते हो। और जो रेड कलर के मैंने आपको दिखाया था ना क्लच एंड लीवर, ये कर दिया सिल्वर कलर के, सिल्वर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये कुछ इस कलर से हल्का सा मैच हो रहा है। और गाइस इस क्लच एंड लीवर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये ओरिजिनल स्पेशली आपके होंडा सीवी शाइन के ही हैं। और इसका ओरिजिनल होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके ओरिजिनल वाले निकलेंगे और दूसरे ओरिजिनल वाले लग जाएंगे, कोई छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी, कोई ड्रिल से छेद नहीं होगा, कोई जुगाड़बाजी नहीं, जस्ट प्लग एंड प्ले। और इसमें आपको स्विच मिल जाते हैं एडजस्ट करने के, ये देखो इसमें आप नंबर दे सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, यानी कि आप इसको 6 नंबर तक सेट कर सकते हो। आप अगर आपकी फिंगर लॉन्ग है या शॉर्ट है, या अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर चलाना, तो यहाँ पर भी आप वही काम कर सकते हो जो आप यहाँ पर कर रहे हो पूरा हाथ खोल के, तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। प्लस ये है मेटल में, कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे इसमें, रेड मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, गोल्डन मिल जाएगा, और सिल्वर आपके सामने है दोनों साइड से। और गाइस इसका जो बैक रेस्ट है ना, इसको भी कर दिया रैपिंग, जो कि ये भी आपको ब्रांड न्यू वाली फीलिंग दे रहा होगा। ये देखो गाइस सो गाइस हेडलाइट के अंदर एक एलईडी बल्ब लगाया हुआ है जिसको कर रखा है ऑफ, स्विच लगाया है अलग से, ये देखो गाइस मतलब इसको मैं अगर चाहूँगा तभी ऑन होगा, तो इसके लिए यहाँ पर स्विच लगा दिया, तो ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट है इसका गाइस। बाकी सारी मैंने मॉडिफिकेशन आपको दिखा दी, और हाँ गाइस इसकी सर्विस भी की गई थी, जिसमें आपकी जो है इसका ऑयल चेंजिंग वगैरह, ऑयल फिल्टर वगैरह जो सब कुछ होता है सर्विस में, वो वर्क भी इसमें किया गया है, तो उस तरीके के काम भी इसको जाते हैं, यानी कि इसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया गया है, यानी कि इसमें सर्विस से लेके मॉडिफिकेशन से लेके सारे काम किए गए हैं गाइस। ये थी आपकी होंडा सीवी शाइन 125। सो गाइस आज की वीडियो में इतना, ये थी आपकी होंडा सीवी शाइन पर मॉडिफिकेशन की वीडियो जो मैंने आपको दिखाई, आई होप आपको पसंद आएगी। कुछ रहेगा तो कमेंट करके पूछना, अगर आप शॉप पर आना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तो गाइस मैं लेता हूं आपसे विदा, मैं आपसे मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक से, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।